नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। अर्ज किया के एक स्पेशल एपिसोड में, नया साल है और नए साल में अर्ज किया का ये नया एपिसोड आप देख रहे हैं और अर्ज किया की पूरी टीम की ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ये नया साल आपके जीवन में बेहतरी लेकर आए। और इस नए साल में ये चार कवि आपको जो अभी तस्वीर नज़र आई स्क्रीन पर, ये हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। और तारुफ करा देते हैं सबसे पहले कौन कौन है हमारे साथ। मेरे नज़दीक में खड़ी हुई हैं मोहतरमा, आगरा से आई हैं और आगरा से आई हैं कांची सिंघल जी, इनको कहते हैं कांची जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपको। श्रृंगार की बेहतरीन कवित्री हैं, अलग अलग मंचों पर आपने इनको सुना होगा और आज अर्ज किया कि इस स्पेशल एपिसोड का हिस्सा बन रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। कांची जी के नज़दीक में तकी साहब हैं, तकी बाजपुरी इनको कहते हैं, उत्तराखंड की धरती से ताल्लुक़ रखते हैं। तकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, इस नव वर्ष के इस स्पेशल एपिसोड का हिस्सा बनने के लिए। तकी साहब पहले भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा रहे थे और शानदार एपिसोड हुआ था। तकी साहब के नज़दीक में दरअसल एक और मोहतरमा हैं, कवित्री हैं, जो आगरा की धरती से ही ताल्लुक़ रखती हैं, बेहतरीन श्रृंगार की कवित्रियों में शुमार हैं। दीक्षा रिसाल इनको कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। श्रृंगार बेहतरीन पढ़ती हैं और आज जाहिर तौर पर इस नव वर्ष में श्रृंगार किस तरह से बरसेगा आप देखने वाली बात होगी। और श्रृंगार के नज़दीक में जयंत शाह साहब हैं। जयंत शाह साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। हास्य के बेहतरीन हस्ताक्षरों में शुमार हैं, हमारे साथ अर्ज क्या का हिस्सा रहे थे ऑनलाइन जब हम लोगों ने शोज़ करे थे कोविड के वक्त में, लेकिन आज फिजिकली हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड से ही, रुद्रपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, रुद्रपुर की धरती से आज दिल्ली की धरती पर आप आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो ये दरअसल चार कवि अगले आधे घंटे तक आपके बीच होने वाले हैं। शुरुआत आज नव वर्ष की शुरुआत की जाए श्रृंगार से, मोहब्बत से, इश्क से, क्योंकि इश्क जो रस होता है, श्रृंगार रस होता है, हर किसी में होता है और बेहतरीन रस होता है। शुरुआत मैं कांची जी से करता हूँ, स्वागत कर रहा हूँ आपका। आज पहली दफ़ा आप अर्ज किया का हिस्सा बन रही हैं और शुरुआत आप ही से। जी, शुक्रिया आप सभी को, मेरे सभी सुनने वालों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक छोटी सी गज़ल नव वर्ष पे ही लेकर आई हूँ, छोटी सी ख्वाहिशें हैं, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मैं तरन्नुम से पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हम नए साल में फिर मिलेंगे तुम्हें, हम नए साल में फिर मिलेंगे तुम्हें, सुनते आए हैं सुनते रहेंगे तुम्हें। हम नए साल में फिर मिलेंगे तुम्हें, सुनते आए हैं सुनते रहेंगे तुम्हें। शेर समाप्त करें। चाहे जितनी दफा हमको चुनना पड़े, चाहे जितनी दफा हमको चुनना पड़े, बारहा हर दफा बस चुनेंगे तुम्हें। चाहे जितनी दफा हमको चुनना पड़े, बारहा हर दफा बस चुनेंगे तुम्हें। एक एक नाजुक सा शेर मैं हाजिर करती हूँ, सुनेगा। अपनी आंखों के काजल की कोरों में और अपनी आंखों के काजल की कोरों में और दिल में धड़कन बना कर रखेंगे तुम्हें। अपनी आंखों के काजल की कोरों में और दिल में धड़कन बना कर रखेंगे तुम्हें। और कुछ मनमर्जियां इश्क की सुनिएगा। जाने मन जाने जा मेरी जाने जहां, जाने मन जाने जा मेरी जाने जहां, जो भी आएगा दिल में कहेंगे तुम्हें। जाने मन जाने जा मेरी जाने जहां, जो भी आएगा दिल में कहेंगे तुम्हें। साल दर साल क्या मेरी जा उम्र भर,
साल दर साल क्या मेरी जाऊं उम्र भर अपनी गजलों में लिखते रहेंगे तुम्हें। साल दर साल क्या मेरी जाऊं उम्र भर अपने गजलों में लिखते रहेंगे तुम्हें। लाख दुश्मन बने ये जमाना मगर लाख दुश्मन बने ये जमाना मगर बारहा हम तो रहबर कहेंगे तुम्हें। लाख दुश्मन बने ये जमाना मगर बारहा हम तो रहबर कहेंगे तुम्हें। और गजल का मक्ता हाजिर करती हूँ, सुनिएगा कि उसको छोड़ कर घर चले जाओगे उसको छोड़ कर घर चले जाओगे कोई इल्जाम फिर भी न देंगे तुम्हें। उसको छोड़ कर जो चले जाओगे कोई इल्जाम फिर भी न देंगे तुम्हें। हम नए साल में फिर मिलेंगे तुम्हें। अच्छा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शानदार जी। नए साल का आगाज बेहतरीन है कि हम नए साल में फिर मिलेंगे तुम्हें, जरूर मुलाकातें होंगी। और इस मुलाकात के बाद आगे बढ़ते हैं और तकी बाजपुरी साहब के पास पहुंचते हैं। स्वागत कर रहा हूं साहब आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल नबी हसन साहब। और सर्वप्रथम सभी सुनने वालों को तकी बाजपुरी की ओर से नववर्ष की हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। तो सीधे सीधे मैं एक रचना पे आता हूँ जो नववर्ष पे है और विशेष रूप से मैं अर्ज किया है प्रोग्राम के लिए लाया हूँ। आइए पढ़ता हूँ। दिल्ली भी घुमाऊंगा नए साल में आजा। अच्छा है भाई, हाँ घूम लिया। दिल्ली भी घुमाऊंगा नए साल में आजा दिल्ली भी घुमाऊंगा नए साल में आजा और फिल्म दिखाऊंगा नए साल में आजा और फिल्म दिखाऊंगा नए साल में आजा। और पंक्तियां देखें। होने नहीं दूंगा तेरी पॉकेट की मनी कम। अच्छा है। होने नहीं दूंगा तेरे पॉकेट की मनी कम नोटों पे सुलाऊंगा नए साल में आजा नोटों पे सुलाऊंगा नए साल में आजा। जरूर आएगी। बहुत शुक्रिया। ये पंक्ति देखें। हर शाम को घूमेंगे किसी पार्क में जाकर हर शाम को घूमेंगे किसी पार्क में जाकर पिज्जा भी खिलाऊंगा नए साल में आजा पिज्जा भी खिलाऊंगा नए साल में आजा। एक टूर बना साथ मेरे घूमे जमाना एक टूर बना साथ मेरे घूमे जमाना शॉपिंग भी कराऊंगा नए साल में आजा शॉपिंग भी कराऊंगा नए साल में आजा। बहुत शुक्रिया। ये पंक्तियां देखें। मुझसा ना तुझे बेस्ट कोई और मिलेगा मुझसा ना तुझे बेस्ट कोई और मिलेगा नखरे भी उठाऊंगा नए साल में आजा नखरे भी उठाऊंगा नए साल में आजा। मुझसा ना तुझे बेस्ट कोई और मिलेगा नखरे भी उठाऊंगा नए साल में आजा नखरे भी उठाऊंगा नए साल में आजा। रानी की तरह तुझको रखूंगा मैं सदा ही रानी की तरह तुझको रखूंगा मैं सदा ही
पलकों पे बिठाऊंगा नए साल में आ जा, पलकों पे बिठाऊंगा नए साल में आ जा। और ये दो पंक्तियां देखें, 22 में अंगूठी जो दिलाई वो गजब थी। अच्छा, 22 में अंगूठी जो दिलाई वो गजब थी। अब हार दिलाऊंगा साल में आ जा। अच्छा है भाई, अच्छा है, अब तो जरूर आएगा। दिलाऊंगा नए, लालच बहुत है भाई साहब, बहुत लालच दे रहा। 22 में अंगूठी जो दिलाई वो गजब थी, अब हार दिलाऊंगा नए साल में आ जा। अब पंक्तियां देखें, हर एक जरूरत को तेरी पूरा करूंगा, हर एक जरूरत को तेरी पूरा करूंगा, यूं साथ निभाऊंगा नए साल में आ जा, यूं साथ निभाऊंगा नए साल में आ जा। और ये भी पंक्तियां देखें जी, दौलत जो कमाई है फकत तेरे लिए है, दौलत जो कमाई है फकत तेरे लिए है, सब तुझ पे लुटाऊंगा नए साल में आ जा। अच्छा है। सब तुझ पे लुटाऊंगा नए साल में आ जा। और किसी भी प्रेमिका को या पत्नी को मतलब किस तरह के पति चाहिए होते हैं, और फिर मिल जाए वो तो अलग ही बात है जी, कोई भी मिल जाए वो तो अलग, वो एक अलग है। तो उस पर देखिए मैंने अलग तरीके से कहा है, सब तुझ पे लुटाऊंगा नए साल में आ जा, हर काम रसोई का संभालूंगा मैं खुद ही, हर काम रसोई का संभालूंगा मैं खुद ही, झाड़ू भी लगाऊंगा नए साल में आ जा, झाड़ू भी लगाऊंगा नए साल में आ जा, दिल्ली भी घुमाऊंगा नए साल में आ जा, और फिल्म दिखाऊंगा नए साल में आ जा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार साहब, बहुत शानदार, बेहतरीन है। और नए साल में आप बहुत कुछ करने वाले हैं ये पता चल गया। बस आ जाए, और शानदार रहा तकी साहब, बहुत शानदार, बेहतरीन, शानदार भाई। अब नए साल में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन कौन मुलाकात करता है, कौन कौन नहीं करता। बढ़ते हैं आगे और दीक्षा जी के पास पढ़ते हैं। दीक्षा जी, स्वागत कर रहा हूँ जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो नव वर्ष की आप सबको, देखने वालों को, सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। तो नए साल का बात चल रहा है, नए साल की क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, बात चल। तो चार लाइन, चार पंक्तियाँ हाजिर करती हूँ, फिर उसके बाद अपनी एक मुकम्मल गजल। बिल्कुल। नए साल का ये नया सिलसिला हो, बेहतर है, अच्छा। नए साल का ये नया सिलसिला हो, नए साल का ये नया सिलसिला हो, किसी से न शिकवा न कोई गिला हो, किसी से न शिकवा न कोई गिला हो, उठें जिस तरफ भी मोहब्बत की नजरें, उठें जिस तरफ भी मोहब्बत की नजरें, रहे पुरसुकून दिल हमारा मिला हो, रहे पुरसुकून दिल हमारा मिला हो। बहुत शुक्रिया। अब एक मुकम्मल गजल, स्वागत है, इरशाद हाजिर करती हूँ। तेरी आँखों के सागर में मुझे डुबो के मानेगा, तेरी आँखों के सागर में मुझे डुबो के मानेगा, मेरे सरकार ये दिल है कहीं तो खो के मानेगा, मेरे सरकार ये दिल है कहीं तो खो के मानेगा, मेरी सांसों में है बिखरे तुम्हारे नाम के मोती,
मेरी सांसों में है बिखरे तुम्हारे नाम के मोती, धड़कता दिल ये कहता है इन्हें पिरो के मानेगा, धड़कता दिल ये कहता है इन्हें पिरो के मानेगा। शेर सुनिएगा, खता मेरी है क्या इसमें अगर वो बात ना माने, खता मेरी है क्या इसमें अगर वो बात ना माने, तुम्हारा दिल तुम्हारा है तुम ही कह दो के मानेगा, तुम्हारा दिल तुम्हारा है तुम ही कह दो के मानेगा। अजब है उलझन इसकी, अजब इसके मसाइल हैं, अजब है उलझन इसकी, अजब इसके मसाइल हैं, कभी ये हंस के मानेगा कभी ये रो के मानेगा, कभी ये हंस के मानेगा कभी ये रो के मानेगा। सुनो सुनो इस तरह से तुम राह में मुझसे न टकराओ, सुनो इस तरह से तुम राह में मुझसे न टकराओ, मेरा दिल है बड़ा पागल तुम्हारा हो के मानेगा, मेरा दिल है बड़ा पागल तुम्हारा हो के मानेगा। तेरी आँखों के सागर में मुझे डुबो के मानेगा, मेरे सरकार ये दिल है कहीं तो खो के मानेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन बेहतरीन। कहीं खो कर मानेगा, हो सकता है खो भी गया हो मान गया हो। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर जयंत शाह के सब पास पहुँचते हैं और श्रृंगार के बाद हास्य की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद रवि साहब, और सबसे पहले तो मैं जेके न्यूज़ के सुनने वाले सभी दर्शकों को नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं अपने ढंग से कुछ दूंगा। अच्छा, जैसे तकीर जी ने कहा कि नए साल है आजा, मगर हमारे लिए ऐसा नहीं है, हम जेके न्यूज़ की तरह 24 आवर्स कंटिन्यू रहते हैं। अच्छा है, नए साल का तक हम सीमित नए साल की वेट करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि आपके नए साल में आपके जीवन में खुशियाँ, आपके नए साल में आपके जीवन में खुशियाँ महंगाई की तरह निरंतर बढ़ती चली जाए, और आपके गम दीपिका पादुकोण के कपड़ों की तरह छोटे 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 होते चले जाए। आइए, बहुत 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 अच्छा माहौल है, नया साल का समय है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा माहौल बन गया है, बहुत सुंदर यहाँ पर कविताएं चल रही है। मैं कविता आपके सामने रखता हूँ कि पति पत्नी और महंगाई, जिसके साथ जो दिक्कत है साहब वही उसी की बातें करता है, ताकि वाजपेयी ने कुछ बातें और की, हम तो पतिव्रता है, हम अपनी बात करेंगे। स्वागत है जी। तो पति पत्नी और महंगाई की, एक दिन शाम को थका मांदा मैं घर लौटा तो श्रीमती जी का तम तमाता चेहरा देखकर चौका, उसके हसमुख मुखड़े पर ऐसे दहक रही थी ज्वाला जैसे यूक्रेन की धरती पर रशियन बम है गिरने वाला। और मुझे सामने देख शिकायतों की टोकरी खोली और फिर तुनक कर बोली, मुझे सामने देख शिकायतों की टोकरी खोली और फिर तुनक के बोली कि शादी से पहले तो तुम बादों की लगाते थे खूब झड़ी, जैसे चुनाव जीतने से पहले नेता लोग बातें करते हैं बड़ी बड़ी, कहाँ 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 तो कहाँ करते थे, चांद तारे तोड़ लाऊंगा और आसमान कर दूंगा एक, और कहाँ शादी के बाद तुमने घुटने दिए एकदम टेक। अच्छा, ये देखिए साहब हमारे देश में, और इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं, हमारे बाप दादाओं ने भी घुटने थे कि हम भी टेकते हैं, ये परंपरा चली आ रही है साहब। शादी से पहले तो तुम बातें करते थे बहुत बड़ी बड़ी, जैसे चुनाव जीतने से पहले नेता लोग लगाते आश्वासन की झड़ी, कहां तो कहां करते थे, चांद तारे तोड़ लाऊंगा और आसमान कर दूंगा एक, और कहां तुमने शादी के बाद घुटने दिए एकदम टेक, और बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी, पत्नियों की क्या शिकायत होती है, याद ही बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी कुछ भी तो नहीं रहता अब तुम्हें याद, और सच सच बताओ कहां थे अब तक, किसी चुड़ैल के साथ? क्या बात है, सच सच बताओ कहां थे अब तक किसी चुड़ैल के साथ? पर मैं भी आग हूँ, पानी का बुलबुला नहीं हूँ, आज की मॉडर्न लड़की हूँ, कोई अबला नहीं हूँ, अब भी तुम अपने बातों पर खड़े नहीं उतरे। देखिए कविता पति पत्नी और चुनाव की राजनीति का चित्र देखिएगा, अब भी तुम अपने बातों पर खड़े नहीं उतरे,
तो मैं अविश्वास प्रस्ताव लाऊंगी और तुम्हें अपने पति परमेश्वर के सिंहासन से तुरंत नीचे उतरवाऊंगी। क्या बात है। मैंने कहा भाग्यवान तुम भी, क्या गजब धाती हो, जरा जरा सी बात पर सरकार तक हिला देती हो। तुम्हें क्या बतलाऊं मैं अपने दिल का हाल, इस महंगाई ने किस कदर जीना कर दिया है मुहार। अब मेरे व्यंग तक पहुंचना हास्य के साथ कि मैंने कहा भाग्यवान तुम भी क्या गजब ढाती हो, इस जरा जरा सी बात पर सरकार तक हिला देती हो। तुम्हें क्या बतलाऊं मैं अपने दिल का हाल, इस महंगाई ने किस कदर कर दिया है जीना मुहाल। गैस और तेल के दाम रोज उछल रहे हैं और तुम्हें क्या पता मेरे अरमान कैसे कुचल रहे हैं। तुम्हें क्या पता मेरे अरमान कैसे कुचल रहे हैं। ऑफिस में खुद को घिसता रहता हूँ सुबह शाम, तब जाकर हो पाता है दो वक्त की रोटी का इंतजाम। कि ऑफिस में खुद को घिसता रहता हूँ सुबह शाम, तब जाके हो पाता है दो वक्त की रोटियों का इंतजाम। और कविता के आखिरी पंक्ति कि तुम्हारी स्वतन कोई और नहीं जिसने नींबू की तरह मुझे निचोड़ दी है। प्यार तो मैं तुम्हें आज भी करता हूँ मगर महंगाई ने कमर तोड़ दी है। बहुत अच्छे महंगाई पर व्यंग और बेहतरीन शानदार काव्य पाठ, बेहतरीन प्रोग्राम। और आप चारों को भी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वक्त अब हमें इतनी ही इजाज़त दे रहा है। नया साल आप सबके लिए बहुत बेहतर हो, खुश हो, बेहतरीन हो, खुशनुमा हो। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद आप लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। अर्ज किया कि टीम की ओर से आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बेहतर आपका ये नया वर्ष हो, नया साल हो। और यूं ही अर्ज किया को नए साल में भी प्यार अपना देते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।